जी मैं हूँ फरहान जंजुआ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू है वो भी डेडिकेशन के हवाले से ही है। अब हम बात करेंगे इस मौजू में जो कि हमारा 73A, 74A, 75A, 76A, ये जो स्ट्रीट्स हैं इनके अंदर जो है किस तरीके से डेडिकेशन इनके अंदर चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात वाजे कर दूँ कि जब भी सोसाइटी जो है वो अपना काम स्टार्ट करती है तो साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ मामला जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर चलाना पड़ते हैं, या यूँ समझ लें कि कुछ ठेके जो है वो देने पड़ते हैं। तो ये जो एरिया था ये कहलाता था बैंकर सिटी का एरिया जी, बिल्कुल इस एरिया में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट जो हैं वो बैंकर सिटी के साथ हुए हुए थे, जो कि आपने बाद में कुछ एरिया हमारे पास जिन्ना गार्डन के पास था, कुछ उनके पास था, जिस वजह से इशू ये बना कि अभी तक कुछ ज़मीन जो है वो उन्हीं के नाम पर चली आ रही है। और यही वजह है कि अब भी अगर आप जाएं मौके पर तो मौके पे आपको बिल्कुल कारपेट रोड नज़र आएगी, मौके पे सीवरेज भी आपको नज़र आएगी, और इसके अलावा जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो इसके अंदर नज़र आएंगी। पर इशू ये है कि इसकी जो सेल परचेज है वो इस वक्त ना होने के बराबर है जी। बिल्कुल यहाँ पर एक चीज़ और भी वाजे कर दूँ कि क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह यही है कि इसमें जो है वो सेल परचेज का जो इनका इंटरनल मामला है वो अभी तक हल नहीं हो सका। और यही वजह है कि अभी तक यहाँ पर जितने भी मुतासरीन जो है इन्होंने जगह ली थी, रीज़न ये है कि अब तक वहाँ पर किसी किस्म की कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउ नहीं है। और ये भी पता चला कि यहाँ पर इस तरह के एरिए में काफ़ी फाइल जो है वो FIA के पास भी मौजूद हैं, कुछ मामला जो है इसी वजह से। अब ये कब तक क्लियर होंगे और इस वक्त इसका मौजूदा रेट क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस वक्त इसका मौजूदा रेट जो है वो तकरीबन जो प्लॉट इनके क्लियर हो रहे हैं, यानी कि कुछ एरिया जो कि इनका न्यू LOP में आया है उसको छोड़कर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें तकरीबन इस वक्त कुछ 40 लाख से लेकर 45 लाख के अंदर अंदर सेल परचेज चल रही है राइट नाउ। ठीक है, आप ज़रा थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने एहतियात करना है इसे परचेज करते हुए, और जिन्होंने कर लिया है उनको यही कहूँगा थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि कुछ मामला उम्मीद है कि इंटरनली हल हो जाए तो इंशाल्लाह ये एरिया भी क्लियर हो जाएगा। अब वो सवाल आता है कि जो कि हमारा न्यू LOP में आ चुका है तो उसके बारे में क्या अपडेट है। तो दोस्तों जो LOP न्यू LOP में आ चुका है उसके बारे में तकरीबन आप लोगों ने कॉर्नर प्लॉट का 60 लाख रुपया जो है वो तकरीबन मांगना शुरू कर दिया है, और जो रेट इस वक्त चल रहे हैं वो तकरीबन कोई 45 प्लस से शुरू हो रहा है, और राउंड फिगर करें तो तकरीबन 65 आस्किंग तक चल रहा है। ठीक है, तो 60 तक जो है वो आपका कॉर्नर भी इसमें बिक जाता है उम्मीद है। तो बाकी यही है कि मौके पर बातें होती है, तो इस वक्त ये चीज़ें जहन में रखिएगा कि अगर आप 73A, 74A, 75A और 76A में किसी किस्म का लेन देन करना चाह रहे हैं तो उसकी तस्दीक एक दफ़ा ज़रूर कर लें, और अल्लाह ने चाहा हाँ जिस वक्त ये क्लियर हो जाएगा उस वक्त ये बिल्कुल आइडियल लोकेशन पर है तो इंशाल्लाह इसके रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बेहतर होने के चांस होगा इंशाल्लाह। तो मेरा मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मौजू भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। दो में याद रखिएगा, अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।